हेलो फ्रेंड, तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं फेसबुक पेज के URL कस्टमाइज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड वहां पे जो लिंक होता है ऑलरेडी जो फेसबुक पेज लिंक देता है उसका मतलब कोई एक मतलब ब्रांड नहीं होता है, कुछ नाम नहीं होता है। जैसे होता है मतलब www. उसके बाद 1 2 3 4 5 XYZ मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब कामा डॉट सामा गामा सब मतलब उसमें दिया होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड उसे जो दिया है एक्स्ट्रा चीज वो चीज़ को हटा कर और उस लिंक को पर्सनल ब्रांड अपने चैनल के नाम से ब्रांड कैसे बनाए, तो वीडियो में यही आज बताने वाला हूँ कि अपना फेसबुक पेज का URL कस्टमाइज कैसे करें। फुल प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें मतलब कुछ सेकंडों का काम है, आप एकदम आराम से कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आप बेल आइकन दबा के ऑल करिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि मैं हमेशा नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिस वीडियो से आपको फायदा हो फ्री में प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए फ्रेंड देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं होम स्क्रीन पर, वहां पर आपको दिखाते हैं चैनल फेसबुक पेज का URL कस्टमाइज करें। .3 पे क्लिक करके उसके बाद अपने पेज पर चले जाइएगा। यहाँ पे भी पेज है, देखिए आप पेज का नेम है जो मेरा प्रोफाइल ये है। तो चलिए मैं अपने फेसबुक पेज पे चले जाता हूँ। जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इसे स्लाइड करेंगे, इधर स्लाइड करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस मोर के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर। तो फ्रेंड आप यहाँ पेज पर आ जाएंगे, आने के बाद नीचे की तरफ स्लाइड करिएगा। जैसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है एडिट पेज, आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिट पेज लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि कोई पर्सनली ब्रांड लिंक नहीं होगा। लेकिन आप अगर ब्रांड लिंक बनाना चाहते हैं जो कि, तो वहाँ पर जो एडिट पेज लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, करने के बाद अब देखिए पेज होल्डर के नाम से यहाँ पे है, इसको क्या करना है आपको ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट पेज यूजर नेम, आपको क्या करना है इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ अलग पेज ओपन होगा जहाँ की अपना यूजर नेम वहाँ पर लगा पाए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आप यूजर नेम लगा सकते हैं जो भी यूजर नेम रखना है आपको ब्रांड। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपका यूजर नेम 50 शब्दों में होना चाहिए, 50 मतलब ABCD जो भी हो 50 अंक का होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल दिया हूँ, डालने के बाद देखिए यहाँ पर हरा का टिक लग चुका है, यानी कि जब यहाँ हरा का टिक लगेगा तभी समझिएगा कि आपका मतलब यूजर नेम अवेलेबल है, नहीं तो रेड कलर में लिख देगा। तो उसके बाद देखिए यूजर नेम हो गया, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन मतलब हाईलाइट हो गया क्रिएट यूजर नेम, आपको क्या करना है इसी क्रिएट यूजर नेम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद यहाँ पर देखिए यू आर ऑल सेट, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे उसके बाद आपका जो भी लिंक होगा उसके बाद उस लिंक में ब्रांड जैसे आएगा। तो चलिए मैं आपको वो लिंक कॉपी करके दिखाता, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक करके कॉपी को लिंक कर कॉपी कर लेते हैं लिंक को। कॉपी करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले कैसा था लिंक, अब कैसा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं पहले कैसा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेक रजक यहाँ पर आ गया है, इसमें जो कस्टमाइज चैनल की हैं आप पहले का लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले का लिंक आप देख सकते। तो फ्रेंड पहले का लिंक यहाँ पर देखिए टेक रजक इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं एक एक दो दो पता नहीं क्या क्या यह लिखा है, बहुत बड़ा लिंक है। तो फ्रेंड ये पहले वाला है, ये अब वाला है कस्टमाइज वाला। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत दूंगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए।